और हम अपने संथाल भूमि के वीरों को अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं। और अब हम अपने स्वागत की भावना का संप्रेषण जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये स्वागत अभिवादन अभिनंदन। और अब मेरा अगला आग्रह होगा पुलिस अधीक्षक श्री कुमार गौरव जी से, हमारे बीच माननीय मंत्री आदरणीय श्री बसंत सोरेन जी की गरिमामय उपस्थिति है। हम मैं निवेदन करना चाहती हूँ उप विकास आयुक्त साहिबगंज श्री सतीश चंद्र सी, माननीय सांसद और राजमहल आदरणीय श्री विजय हांसदा जी की गरिमामय उपस्थिति है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रही है। बहुत है निवेदन करना चाहती हूँ, हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है माननीय विधायक महेशपुर प्रोफेसर स्टीफन नारायणी जी की। मैं निवेदन करना चाहती हूँ एक्टर IBDA श्रीमती मंजू रानी स्वासी मैम से कि आप का सर का आदर वर्धन यहाँ पर करेंगे प्रोफेसर स्टीफन नारायणी सर। मैम माननीय विधायक महेशपुर प्रोफेसर स्टीफन नारायणी हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है प्रोफेसर स्टीफन मराठी जी की। माननीय विधायक महेश पूरम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रही है। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। माननीय विधायक महेशपुर प्रोफेसर स्टीफन मराठी जोरदार तालियां नन्ना पदों और स्वर के साथ ये सम्मान कर रहे हैं। मैं अगला आग्रह करना चाहती हूँ जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री जुनू कुमार मिश्र जी से, हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है माननीय विधायक महागामा श्रीमती दीपिका पांडे सिंह मैडम भी। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती मोनिका किस्कु मैम की। हम स्वागत ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं और आप सबका एक दिया जला दी है। मैं सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री सब माननीय विधायक बने, माननीय मंत्री महोदय और अतिथिगणों से दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। कार्य से जोरदार जी हाँ, घर घर योजनाओं का प्रकाश पहुंच रहा है। ये संकल्प गहराता रहे, हम अपने वीरों को कभी न भूले, ये संकल्प गहराता रहे और इसी संकल्प के साथ ये दीप प्रज्वलन आज यहाँ हमारे गणमान्य अतिथिगणों के कदमों के द्वारा किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो, ये संकल्पों का दिया है, ये उम्मीदों का दिया है। हमारी सरकार सबसे कहती है कि न रुकेगा झारखंड, न थमेगा झारखंड, बस आगे आगे और बहुत आगे बढ़ेगा झारखंड। इसी संकल्प के साथ ये दीप प्रज्वलन हमारे अतिथिगणों के कदमों के द्वारा बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों का दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने के लिए उपस्थित देवियों और सज्जनों, हमारा झारखंड वीरों की भूमि है। संथाली भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है विद्रोह। आदिवासी भाइयों सिद्धो कान्हो और चांद भैरव के नेतृत्व में तब संथालों ने मान उजारी नहीं देने और अंग्रेज हमारी माटी छोड़ कर जोर शोर से ऐलान किया।
अंग्रेजों ने तब संथाल विद्रोहियों से घबराकर उनका दमन प्रारंभ किया। इसी प्रतिक्रिया में आदिवासियों ने अंग्रेजी सरकार की ओर से आए जमींदारों और सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। तब विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। तब इस इलाके में गांव के गांव जलाए जाने लगे। चांद और भैरव पूर्व विद्रोह में शहीद हुए। इसी बात सिद्धू और कान्हू को नदी में ही पेड़ से लटका कर 26 जुलाई 1855 को फांसी दे दी गई। 1856 को अंग्रेजों ने संथाल के पूरे इलाके को सेना के सुपुर्द कर दिया। इस नाम के प्रमुख नायक सिद्धू कान्हू चांद और भैरव थे। लेकिन उनकी वीरता और संघर्ष में उनकी दो बहनों फूलो और चांद का योगदान भी अतुलनीय था। संथाल की माटी के इन्हीं शहीदों की याद में हर साल 30 जून को फूल दिवस मनाया जाता है। संथालों की लड़ाई सिर्फ अपनी